सुप्रभात बच्चों, आपने सीखा है अभी वर्णमाला, सीखा है 12 कड़ी, सीखी है अक्षरमाला, सीखा है। तो अभी आते हैं, हमको क्या बनाना है, नए अक्षर बनाने हैं, नए वर्ड्स बनाने हैं। नए अक्षर बनाने के लिए हम एक आपको एक शब्द देंगे, यानी कि एक अक्षर देंगे, उससे आपको कई अक्षर, नए अक्षर बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, उसी तरीके से आपको एक एग्जांपल के लिए दे दूंगी, वो आपको घर में सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला जो है मैच द फॉलोइंग, जोड़ कर लिखना है, वो दोनों आज हम इस क्लास में सीखेंगे। चलिए जानते हैं नए शब्द कैसे बनाना। चलिए बच्चों, यहाँ पे है, आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पे नए शब्द बनाइए। नए शब्द बनाना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने अभी लिखा है ऑलरेडी, ग अधिक ज गज। आपने अधिक करके लिखा था ना, दो अक्षरों वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द, उसी तरीके से इसको भी बनाना है, ठीक है। ल अधिक ग अधिक ल गल, ग अधिक म गम, ग अधिक त गत, ग अधिक त गट, ठीक है। इस तरीके से जोड़कर आपको लिखना है। अभी मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे दे दूंगी, जैसे कि उदाहरण के लिए एक अक्षर रहेगा प, ठीक है, प। लेकिन आपको चित्र सेम इसी तरीके से ही बनाना है, चित्र सेम इसी तरीके से ही आपको बनाना है। चलिए मैम, यहाँ पे मैं चित्र निकाल कर आपको दिखा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, अभी मैंने प डाला है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जोड़कर जैसे मैंने लिखा है ना, उसी तरीके से आपको भी लिखने के लिए सीखना है। ये हो गया नए शब्द बनाना, ये हो गया नए शब्द बनाना। अभी हम आगे सीखेंगे जोड़कर लिखना। जोड़कर मतलब, अभी समझिए, ये कलम है, कलम दिख रहा है, चित्र है, तो अक्षर में कैसे लिखा जाता है, अक्षर में कैसे जोड़ा जाता है, उसका अभ्यास हम करेंगे अभी। ओके, चलिए, अभी यहाँ पे हमने लिख दिया है उचित शब्द और चित्रों की जोड़ियां बनाइए। इन इंग्लिश, मैच द पिक्चर्स विद वर्ड्स, मैच द पिक्चर विद वर्ड्स। नाउ आई विल ड्रॉ हियर सम पिक्चर्स, अदरवाइज आई विल राइट हियर सम वर्ड्स दैट यू हैव टू मैच टू ईच अदर। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे चित्र बनाती हूँ एक तरफ, यहाँ पे वर्ड्स लिखती हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया कलम, तो मैं यहाँ पे कलम का चित्र निकालूंगी और यहाँ पे कलम लिखती हूँ, तो उसको आपको मैच कराना होता है। उसी तरीके से आज हम कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द या कुछ चित्र बनाएंगे, उसे आपको जोड़ना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो वर्ड्स है, चित्र है, उसके नाम बता दूंगी। यहाँ पे है जो मैं आपको वर्ड्स है वो पढ़कर आपको दिखा दूंगी, ठीक है। यह है मेज, यह है आम, यह है अंगूर, यह है किताब, यह है कार, यह है मटका। तो इस तरफ जो है यहाँ के वर्ड्स मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी, ठीक है। यह है आम, अंगूर,
मेज मटका किताब कार। तो अभी आपको इसको एक दूसरे से मैच कराना है। चलिए अभी मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे है मेज, है आम। आम कहाँ पे है करके बोला मैंने, यहाँ पे है आम। अंगूर, किताब, कार, मटका। ठीक है, ये हो गया मैच द फॉलोइंग। बहुत ही इजी है। अभी मैं इसी तरीके से एक होमवर्क के लिए आपको बना के दिखाऊंगी, वो आपको कॉपी करके अपने होमवर्क बुक में बनाना है। ठीक है बच्चे, बच्चों देखिए यहाँ पे उचित शब्द और चित्रों की जोड़ियाँ बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक तरफ चित्र निकाले हैं और एक तरफ अक्षरों में लिखा है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जोड़कर लिखना है। ठीक है, जोड़कर लिखना है। ये है घर, ये है छाता, यह है बाँध, यह है ताला, यह है अनानास, यह है कमल। तो आपको यहाँ पे जो वर्ड्स है, यहाँ पे है बाण बाण, घर, ताला, छाता, कमल, अनानास। तो आपको क्या कहना, अभी तो समझ में आ गया कि कैसे कौन से शब्द को कौन सा वर्ड मैच करता है करके। तो आपका होमवर्क रहेगा ये मैच द फॉलोइंग, आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और वर्ड को मैच करने हैं। और एक जो मैंने बताया ना फर्स्ट ऑफ ऑल, वो वाला नए शब्द कैसे बनाने हैं, वो एग्जांपल आप घर में बैठ के कर सकते हैं। और ये इससे भी आप दूसरा करना चाहते हैं तो वो भी आप घर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।